हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः।
ब्रह्मचारी बलराम, ब्रह्मचारी कृष्ण, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? गुरुदेव आपके। नहीं, सर्वप्रथम तुम ब्रह्मा के ब्रह्मचारी हो, फिर अग्नि देवता के, फिर तुम मेरे ब्रह्मचारी हो। मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तं अनुचित्तं ते अस्तु, मम वाचमेकमनाजुषस्व, बृहस्पतिस्त्वानि युनक्तु मह्यम्। मेरे व्रत हृदयंगम कर, मम पथ पे पग धारो तुम, मेरी वाणी को मन दो, मुझे तब आचार्य पुकारो तुम। सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। अब मैं सूर्य देव की आज्ञा से और अग्नि देवता को साक्षी मानकर तुम दोनों को शिष्य स्वीकार करता हूं। गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। मेरे उत्तम गुण हो उन्हीं को ग्रहण करना, मेरे जो अवगुण हो उन्हें ग्रहण नहीं करना। हे सूर्य भगवान, हे अग्नि देवता, हे समस्त प्रजापतियों, दिक्पालों, पंच महापुतों, हे जगत माता, विश्वेश्वरी, अखिलेश्वरी, माता भगवती, मेरे इन दोनों ब्रह्मचारियों की सदा सदा रक्षा करना। आज से तुम दोनों ब्रह्मचारी हुए, प्रमादीन होकर ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना, दिन में शयन मत करना, वाणी को नियंत्रित रखना। अब मेरा पहला उपदेश ग्रहण करो, मेरे साथ बोलो, सत्यम वदा, सत्यम वद, धर्मम च, धर्मम च, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, ब्रह्मचर्य मागाम, ब्रह्मचर्य मागाम। अब मूल मंत्र का उच्चारण करो। ओ नमः। ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदम् इन्द्राय इदं नमः। ॐ अग्नये स्वाहा, इदम् अग्नये इदं नमः। ॐ सोमाय स्वाहा। Shandeh
माता भिक्षा देहि। अब तुम दोनों को विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु आश्रम जाना होगा। गुरुदेव, कौन से आश्रम में जाना होगा? वैसे तो विद्या की सनातनपुरी है काशी, जो अध्ययन के लिए उत्सुक विद्यार्थियों का सदा ही परम लक्ष्य रही है, परंतु आज हमें इन दोनों को काशी भेजने में संकोच हो रहा है, क्योंकि इस समय काशी में एक परम विभूति की कमी हो गई है। अर्थात? अर्थात ये कि काशी के सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य, सर्व शास्त्रों में परांगत परम तपस्वी महर्षि सांदीपनि
किसी कारण से काशी छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए हैं। हमारी दृष्टि में आज इस संसार में उनसे महान अध्यापक दूसरा नहीं है, इसलिए इन दोनों को उन्हीं के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि वे इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देकर विद्या का दान दें। गुरुदेव, सांदीपनि मुनि इस समय कहां विराजमान होंगे? उन्होंने महाकाल की नगरी अवंतिका अर्थात उज्जैनी के पास अपना आश्रम बना लिया है, सो इन्हें वहीं जाना चाहिए। ये तो बड़े हर्ष की बात है। हमारी बड़ी बहन इस समय अवंतिका की राजमाता है। इस प्रकार से इन्हें कई प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी। नहीं कुमार, अब इनका अवंतिका की राजमाता से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि आज भिक्षा मांगने के पश्चात अभी राजकुमार नहीं रहे, केवल एक भिक्षुक ब्रह्मचारी हो गए हैं। सो जब तक ये आश्रम में विद्या ग्रहण करते रहेंगे, तब तक के आश्रम के अन्य विद्यार्थियों की भांति वहां एक सर्वसाधारण नियमित ब्रह्मचारी के रूप में ही रहेंगे। गुरु आश्रम के नियम बड़े कठिन होते हैं, वहां राजकुमार और सर्वसाधारण में कोई भेद नहीं होता, वहां सब समान रूप में होते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के पश्चात पलंग पर सोना वर्जित हो जाता है, भूमि पर सोना होगा, नंगे पांव चलना होगा, धूप और बरसात में छाता नहीं मिलेगा, वहां गुरु की हर आज्ञा का पालन करना होगा और मन लगाकर अध्ययन करना होगा। गुरु को साक्षात परम ब्रह्म समझकर उनकी उसी प्रकार की सेवा करनी होगी। गुरु के सोने के बाद सोना और उनके जागने से पहले जागना, आश्रम की शुद्धि का ध्यान रखना, वहां झाड़ू देना, गुरु माता के लिए नदी से जल भर कर लाना और उनकी पूजा और हवन के लिए वन की सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाना, फिर गुरु और अपने खाने के लिए भिक्षा मांग कर लाना और जो भी मिल जाए उसी में तृप्त होकर रहना। गुरु होने के अधिकार से मैं आशीर्वाद देता हूं कि महर्षि सांदीपनि आपको अपनी सेवा में स्वीकार करें और आपके वो सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएं जिनके लिए आपने इस धरती पर जन्म लिया है। ब्रह्मचारी सेवक है संग में न
संग है सवारी, शिक्षा प्राप्त करने को चले हैं ब्रह्मचारी। मथुरा से अवंतिका चले हैं ब्रह्मचारी। पग पग चलना, भूमि पे सोना, संयम से विचलित नहीं होना। भिक्षा मांग के भोजन पाना, ब्रह्मचार्य के नियम निभाना। भारतीय बटुकों की परंपरा है न्यारी, शिक्षा प्राप्त करने को चले हैं ब्रह्मचारी। मथुरा से अवंतिका चले हैं ब्रह्मचारी। सेवक है संग में, न संग है सवारी, शिक्षा प्राप्त करने को चले हैं ब्रह्मचारी। मथुरा से अवंतिका चले हैं ब्रह्मचारी। संस्कार गुरु संग मिलके सब करें विधिवत मंत्रोच्चार। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा, इदम् अंतरिक्षाय इदम् नमः। ओम अग्नयै स्वाहा, इदम् अग्नये इदम् नमः। ॐ मेधाय स्वाहा, इदं मेधाय इदं नमः। ॐ ब्रह्मणे स्वाहा, इदं ब्रह्मणे इदं नमः। ॐ चंद्रमसे स्वाहा, इदं चंद्रमसे इदं नमः। ॐ श्रद्धायै स्वाहा, इदं श्रद्धायै इदं नमः। ॐ मेधाय स्वाहा, इदं मेधाय इदं नमः। आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा,
विमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा। परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावह दूषं मूर्जग्वं शतकृतो स्वाहा। भगवान, मैं वृष्णि गोत्रीय वसुदेव का पुत्र कृष्ण श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रभु, वसुदेव पुत्र बलराम का भी प्रणाम स्वीकार करें।
यहाँ आने का कारण? यदि भगवान अनुग्रह करके हमें इन श्री चरणों में बैठकर विद्या ग्रहण करने का सौभाग्य प्रदान करें तो ये जीवन सफल हो जाए, इसी आशा को संजोकर हम दोनों मथुरा से यहां तक आए हैं। मथुरा से? इतनी दूर? जी, गुरुदेव ने कहा था कि जब से आप उज्जैनी में पधारे हैं तब से माता सरस्वती ने भी जैसे इसी को अपना निवास बना लिया हो। सो गुरुदेव की आज्ञा पाकर हम दोनों भिक्षुक बनके आपसे विद्या का दान मांगने आए हैं। कौन है आपके गुरु? ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र महर्षि गर्ग। महर्षि गर्ग? वो तो मेरे इष्ट देव भगवान शिव के परम शिष्य हैं और आप उनके शिष्य हैं, इसलिए आपका तो भगवान शिव से सीधा नाता है। हे महाकाल, आपने अपने शिष्य के शिष्यों को मेरे यहां भेजकर मेरा जो मान बढ़ाया है उसके लिए आपका कोटिशय धन्यवाद। अब मैं समझा, आप दोनों को देखकर मेरी आत्मा में सहसा एक ज्योति सी क्यों प्रकाशमान हो गई थी। इस अकिंचन के आश्रम में आप दोनों का स्वागत है। हम धन्य हो गए गुरुदेव। देवी, इन दोनों प्रतिभूतियों के आवास, रहन सहन और देख रेख का उत्तरदायित्व मैं आपको सौंपता हूँ। गुरु माता के श्री चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी हो वत्स। तुम्हें देखकर जाने ऐसा क्यों लगता है जैसे जैसे मेरा खोया हुआ पुत्र मेरे पास वापस आ गया है। मैं तुम्हारा ही पुत्र हूं माता। वत्स, वत्स, चलो मैं तुम्हारी सब व्यवस्था किए देती हूं। चलो मैं तुम्हारी सब व्यवस्था किए देती हूँ। आओ मेरे साथ, आओ वत्स। देखो बच्चों, इस पेड़ को रोग लग गया है, इसके ये पत्ते सूख रहे हैं, इसकी जड़ों को औषधि की आवश्यकता है। प्रणाम गुरु माता।
सुदामा सुनो। गुरु माता, मुझे याद है कल आपने कहा था पानी कम हो गया है, इसलिए मैंने आज आपकी रसोई में 5 घड़े पानी रख दिए हैं। बहुत अच्छा किया। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी कुटिया में कितने और ब्रह्मचारी हैं। जब से पांडुरंग और सबल चले गए हैं मैं बिल्कुल ही अकेला रह गया हूँ। अच्छी बात है, तो अब से ये दोनों भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जी अच्छा। ये बलराम है और इसका नाम है कृष्ण। तुम इन दोनों को अपने साथ अपनी कुटिया में ले जाओ, तब तक मैं इन दोनों के लिए कुछ बना कर ले आती हूँ। बड़ी दूर से आए हैं, इन्हें भूख लगी होगी। जी अच्छा, चलो मेरे साथ। जाओ, तुम दोनों थोड़ा विश्राम करो, मैं अति शीघ्र तुम दोनों के लिए कुछ बनाकर ले आती हूँ। नहीं गुरु माता, आप कष्ट न करें। जब सब भोजन करेंगे उसी समय हम भी सबके साथ भोजन करेंगे, हमें अभी भूख नहीं है। बालक को कितनी भूख लगी है, बालक को देखते ही माता को पता चल जाता है। सुदामा, तुम इन दोनों को अपने साथ अपनी कुटिया में ले जाओ, मैं अभी आती हूँ। अच्छा माता। परंतु माता, माता। ये परंतु वरंतु यहाँ नहीं चलेगा। इन्होंने कहा तुम भोजन करोगे तो करना ही पड़ेगा, ये हम ब्रह्मचारियों के लिए साक्षात अन्नपूर्णा है। इतना तो कभी हमारी माता ने भी हमें नहीं खिलाया होगा जितना ये खिलाती हैं। जैसे इनके पास कोई भंडार हो, कभी कभी तो हमें गांव से भी भिक्षा कम मिलती है, फिर भी इनका भंडार कम नहीं होता। हाँ चलो मेरे साथ, वह भी आ जाएंगी। आइए आइए। रहने दो, हम अपनी चटाई स्वयं बिछा लेंगे। नहीं, कल स्वयं बिछा लेना, आज नहीं। आज क्यों नहीं? क्योंकि आज तक की कुटिया मेरी थी और तुम दोनों पहली बार एक अतिथि की तरह मेरी कुटिया में आए हो। सो अतिथि को भगवान रूप समझकर ये मेरा धर्म है कि आपका भगवान की तरह इस कुटिया में स्वागत करूं। सो इस समय मुझे अपनी सेवा करने दो। अच्छी बात है। राजी
थोड़ा जल पियो। वाह, तुम्हारे जल से ही तृप्ति हो गई मित्र। मित्र? तुमने मुझे मित्र कहा इतनी जल्दी? क्यों, इतनी जल्दी मित्र नहीं कहना चाहिए? नहीं, गुरुदेव कहते हैं किसी को अति शीघ्र मित्र नहीं बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र कहने पर मित्रता को निभाना पड़ता है, और मित्रता को निभाने का उत्तरदायित्व बहुत कठिन है। इसलिए किसी को पूरी तरह परखे बिना उसे मित्र नहीं बना लेना चाहिए। हमने तो तुम्हें परख लिया, इसीलिए मित्र कह दिया। इतनी जल्दी कैसे परख लिया? तुम तो मुझे जानते भी नहीं। देखो, मैं एक साधारण ब्राह्मण कुमार हूं। यदि तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता आ पड़ी तो मैं मित्रता का उत्तरदायित्व कैसे निभाऊंगा? मैंने मित्र कहा है ना, सो मित्रता का उत्तरदायित्व निभाना भी मेरा ही काम होगा। कभी आवश्यकता आ पड़ी तो इस मित्रता को मैं ही निभाऊंगा। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे मित्रता की परीक्षा मैं कभी नहीं लूंगा। अब बोलो, मुझे अपना मित्र बनाओगे कि नहीं? तुम तो सचमुच भगवान की तरह ही उदार हो। आज जीवन में पहली बार किसी को मित्र बनाने का आनंद पाया है मित्र। Hare Krishna